अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है चिकन वाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये हैं। एक प्याली दही, एक प्याली फ्रेश क्रीम, 2 टेबलस्पून मेयोनीज, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। नमक हस्बे ज़ायका, 1 चम्मच खुश धनिया का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा, बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया और बारीक कटा हुआ अदरक गार्निश करने के लिए। चिकन मैंने 1 किलो लिए। सबसे पहले हम एक बाउल में दही डालेंगे, फिर उसमें लेमन जूस डालेंगे और सारे मसाले डालेंगे। सारे मसाले डालने के बाद हम दही को अच्छी तरह बीट कर लेंगे। मसाले डाल के दही हमने बीट कर लिया। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और उसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को हम तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो हम उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम उसको 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे। उसके बाद हम उसमें दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हम उसको 2-3 मिनट के लिए ढाँप देंगे। दो तीन मिनट के बाद हम उसका ढक्कन उठा के उसका पानी खुश्क करेंगे। जब दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो हम उसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही 2 चम्मच मेयोनीज डाल देंगे। मेयोनीज डालने के बाद हम इसमें क्रीम डाल देंगे। क्रीम डालकर हम उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब क्रीम अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो हम उसको ढांप देंगे और ढांप कर 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। चिकन वाइट कढ़ाई तैयार है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए हम इस पर सब्ज मिर्चें, अदरक और सब्ज धनिया डाल देंगे। ये सब डालने के बाद हम उसको मिक्स करेंगे। हल्का सा मिक्स करके हम उसको 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। मज़ेदार चिकन वाइट कढ़ाई तैयार है। चिकन वाइट कढ़ाई को सर्व करने के लिए हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक इट शेयर इट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।